जनपद संभल के चंदौसी में लॉकडाउन के दौरान हलीम बेच रहे दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा। इस समय पीएम के आह्वान पर पूरे देश में 19 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 3 मई को समाप्त होगा। इस बीच सिर्फ आवश्यक खाद्य वस्तु के प्रतिष्ठान खोलने के आदेश हैं, लेकिन जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में आज सुबह कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि एक दुकान पर हलीम की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी धर्मपाल सिंह ने वहाँ पर दबिश दी तो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए काफी भीड़ एकत्रित थी। पुलिस को देख भीड़ लगाकर खड़े लोग भाग गए और वहीं हलीम की बिक्री की जा रही थी। हलीम बेच रहे दो युवकों को कोतवाली लाया गया। हलीम विक्रेता शकीर मौके से भाग गया, जिसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा आसमान। अच्छा, ये पुलिस क्यों ले गई है? ये बस ये हलीम के चक्कर में ले गई, यहाँ पर जो लगा लिया ठेला। हलीम बेच रहे थे आप? मीट कौन सा है इसमें? मुर्गे का मीट है। किनको ले गई है पुलिस? क्या नाम है? आज का लड़का और मेरा भाई है। अच्छा, तो ये कब से बेच रहे हो आप लोग? ये परसों से हमने लगाया, हमें न पता ही, हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। अच्छा, किसके कहने पे लगाया आपने? किसने कहा आपसे बेचने को? रोटी नहीं थी हमारे खाने के लिए, इस चक्कर में। तो रोटी सबको मिल रही है, सरकार दे रही है, कोई भी ना दे रही है, सबको मिल रहा है खाना राशन। क्या नाम है लड़के का जिसको पुलिस ले गई है? एक का अकरम और एक का आदिल। दोनों को ले गई पुलिस? अभी छोड़ दे भाई साहब, चुप छोड़।